चलिए हम लोग आज क्लास सिक्स का ज्योग्राफी भूगोल हम लोग देखेंगे। इसका पहला जो चैप्टर है, पहला अध्याय है आपका सौर मंडल। सौर मंडल हम लोग देखेंगे। सबसे पहले यहां पर इन शब्दों को हम लोग देखते हैं। सौर का मतलब होता है सूर्य और मंडल का मतलब होगा, मंडल का जो मतलब यहां से एक वर्ड अलग करते हैं, सौर और मंडल को अलग करते हैं, तो मंडल का मतलब होता है परिवार। मंडल का मतलब एक परिवार या एक समुदाय, एक संघ, एक कम्युनिटी, इस तरह से। तो सूर्य का जो अपना परिवार है इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। क्लियर है? अब आइए, सौर मंडल जैसे ही कहते हैं तो आपके मन में कौन कौन सी बातें आती है? सबसे पहली बातें तो आती है सूर्य, आती है कि नहीं आती है? सबसे पहली बात आती है सूर्य। सूर्य भी बोलते हैं और सूरज भी बोलते हैं। अब सूरज की जब बात कर लेते हैं तो हम लोग फिर देखें अगर तो चंद्रमा भी दिखाई पड़ती है हमें। हम लोग जिस जहां रहते हैं वो क्या है? पृथ्वी। और भी आप लोगों ने सुना होगा कुछ ग्रहों का नाम, जैसे बोल देते हैं मंगल, बृहस्पति, बृहस्पति, बुध, शनि, शनि। इतना ये सब ग्रह के बारे में पता होगा, जानते होंगे पहले से। आप कहते हैं जैसे कौन सा ग्रह लग गया इसे, तो शनि ग्रह लग गया है, यानी कुछ ग्रह है जिसका कुछ दोष लग गया है। बृहस्पति के बारे में भी हम लोग थोड़ा बहुत जानते रहे हैं शुरू से भी कि बृहस्पति क्या है, तो सबसे बड़ा ग्रह है। किसका सबसे बड़ा ग्रह है? सूर्य के सबसे नजदीक वाला ग्रह क्या है? बुध। थोड़ा बहुत हम लोग जानते रहे हैं। चंद्रमा भी है और भी बहुत कुछ शब्दावली आती है इसमें, जैसे उल्का पिंड और जैसे और लेने उच्छल तारा, या कहते हैं ना टूटा हुआ तारा, जैसे उसको ऐसे अच्छा इसको हम यहां ले क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह। ये सारे शब्दावली कहने का मतलब ही स्पष्ट होगा कि कहीं ना कहीं सूर्य और उसके परिवार की चर्चा कर रहे हैं। समझ में आ रही बात? यहां जो भी शब्दावल लिखे हैं इसके परिवार के सदस्य हैं, ये सभी सूर्य के परिवार के सदस्य हैं। तो यदि कहा जाए सौर मंडल किसे कहते हैं, तो फटाफट से बना लेंगे, आप लोग नोट भी कर लेंगे, सौर मंडल किसे कहते हैं? सौर मंडल, सौर मंडल, सूर्य, उसके चारों ओर घूमने वाले ग्रह, एक मिनट, एवं अब ग्रह हो गया और क्या सब हो सकता है? उपग्रह और क्या हो सकता है? क्षुद्र ग्रह। ये सभी को मिला करके है ना,
तो सूर्य एवं उसके चारों ओर घूमने वाले ग्रह उपग्रह एवं डालिए वो सम्मिलित रूप से सौर मंडल कहते हैं। देखिए सूर्य और ग्रह और उपग्रह और भी क्या सब होता है सौर परिवार का सदस्य है ना। अब हम लोग ग्रह के बारे में जानेंगे या सौर मंडल के अलावा या हमारा सौर मंडल जो है ऐसे कहीं और भी सौर मंडल हो सकते हैं जिसको क्या कहते हैं जैसे आकाश गंगा का नाम सुने होंगे या फिर ये आकाश गंगा भी जो है वो कहाँ है किसका एक भाग है तो ब्रह्मांड का एक भाग। अब हम लोग चलते हैं सौर मंडल से सीधे ब्रह्मांड की ओर। ब्रह्मांड ब्रह्मांड यदि कहें तो ब्रह्मांड इसकी दिशा और आकार क्या है अनंत समझ। मतलब अगर यहां से हम चले इधर पूरब कितना दूर जाओगे कितना भी दूर जाओ कहीं सीमा खत्म नहीं होगा। तुम 100 बार जन्म लो हर बार चलते रहो फिर जन्म लो फिर चलते रहो कहीं खत्म नहीं होगा। इधर चलो कहीं खत्म नहीं होगा इधर जाओ कभी खत्म नहीं होगा नीचे जाओ कहीं खत्म होने वाला नहीं है वो क्या है तो ब्रह्मांड। कहने का मतलब ब्रह्मांड कितना बड़ा है वो अज्ञात है हम लोग उसको उसका उसको ज्ञात नहीं कर पाए तो जो ज्ञात नहीं हुआ वो क्या हो गया अनंत है जिसका अंत नहीं हो वह अनंत है तो ब्रह्मांड क्या है अनंत है। अब आइए ब्रह्मांड में क्या सब तो ब्रह्मांड में क्या सब आता है तो ब्रह्मांड में है आकाश गंगा अब थोड़ा समझ आकाश और गंगा रात की अंधेरी रात में जब आप चंद्र ऊपर देखते हैं तो आकाश में क्या सब दिखता है चांद फिर तारा दिखता है तो तारा की तारों की संख्या कितनी है और एक चीज पहले से पता है आप लोगों को कि सूर्य क्या है एक तारा जी सर। सूर्य हमें बड़ा दिखता है क्यों दिखता है कि वो हमारे धरती से थोड़ा सा करीब है थोड़ा सा नजदीक है और तारों की तुलना में इसलिए थोड़ा बड़ा दिखता है। सूर्य भी तारा तो जितना बड़ा तारा है उतना बड़ा सूर्य भी हाँ। अब सूर्य कितना बड़ा ये सब चर्चा हम लोग आगे करेंगे मतलब इतना विशाल है लेकिन वो हमसे इतनी दूरी पे है कि छोटी छोटी दिख रही है। अब एक चीज समझ आप रात के अंधेरे में जब आकाश में देखते हैं तो तारों की गुच्छा दर गुच्छा दिखाई पड़ता है नहीं तो ऐसा लगता है जैसे मान लो कि आकाश में क्या बह रहा है तारों की गंगा बह रहा है। गंगा में क्या होता है नदी है नदी में क्या है पानी खाली पानी 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 तो आकाश में देखो तो खाली तारा 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 तो आकाश में तारा 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 इसका मतलब जैसे नदी में पानी में गंगा कहते हैं गंगा में नदी
कि जलधारा है ना चलती रहती है, सालों भर जलधारा चलती रहती है। इसी तरीके से आकाश में तारे तारे तारे, इसलिए कहा गया आकाश गंगा। क्लियर? आकाश गंगा का परिभाषा हमें नहीं जाना, हमें समझना है, ठीक है? आकाश गंगा, अब आइए कि आकाश गंगा में क्या है, समझिए आकाश गंगा में क्या है। तो आकाश गंगा में है सौर मंडल। अब कहिए ब्रह्मांड में कितने आकाश गंगा? अनगिनत, गिन नहीं सकते हैं। अब आइए आकाश गंगा में कितने सौर मंडल? अनगिनत, गिनती नहीं कर सकते हैं। तो अनगिनत है। इस अनगिनत सौर मंडल में से एक सौर मंडल है, जो एक सौर मंडल है जिसकी चर्चा हम लोग यहां कर रहे थे। सौर मंडल, हम केवल एक सौर मंडल की चर्चा करते हैं, जिस सौर मंडल में उसका एक ग्रह परिवार पृथ्वी है और जहां हम लोग निवास करते हैं वहां जीवन है, वहां हम लोग निवास। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। सौर मंडल अगर कहें हमारा सौर मंडल, तो हम जो सूर्य है और सूर्य के चारों ओर जो ग्रह हैं या उपग्रह हैं या क्षुद्र ग्रह हैं या कुछ उल्का पिंड भी रहते हैं घूमते हैं, सब मिलाकर के एक हमारा सौर परिवार बनता है ना। उसी सौर परिवार के हमारा पृथ्वी एक सदस्य है और उस पृथ्वी पे हम लोग रहते हैं। क्लियर? अब कुछ कुछ बातें और सीखने। पृथ्वी ही केवल एक ऐसा ग्रह है पूरे सौरमंडल में जहां जीवन संभव है। क्लियर? ये सब जानते हैं, समझ गए होंगे, रटने की आवश्यकता है नहीं। अब सवाल थोड़ा सा आता है कि भाई ये जो पृथ्वी है तो पृथ्वी पर जीवन क्यों है? वायु, जल और जल, वायु और सूर्य की प्रकाश, जी सर। ये तीन चीज इम्पोर्टेंट है। क्या सब बोले? जल, वायु, 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 वायु में कौन सी गैस की आवश्यक अनिवार्यता है, जो है कौन सा? ऑक्सीजन और प्रकाश। ये तीन इंपॉर्टेंट चीज है जो पृथ्वी को जीवन दायिनी भी कह सकते हैं, जीवन दायिनी, जीवन देने वाला ना जी सर, है ना। एकमात्र ग्रह जहां जीवन पाया जाता है, जीवन दायिनी भी कह सकते हैं। तो एकमात्र ग्रह जहां जीवन पाया जाता है या संभव है, नहीं जीवन संभव है। चलिए एक बार इसको फटाक से एक बार रीडिंग दे लीजिए, नोट करना है तो फटाक से नोट कर लीजिए। अगर नोट नहीं कर पाएंगे कोई चिंता की बात नहीं है, ये आपको ठीक है, आपको ये जो है YouTube पर भी अवेलेबल हो जाएगा, आपके जो चैनल है पसंदीदा चैनल बाल चौपाल, बाल चौपाल पर अवेलेबल होगा और वहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। वहाँ से आप इसका जैसे नोट नहीं कर पाते हैं जल्दी से, क्योंकि ये हम लोग का कैचअप प्रोग्राम है। हमें दो महीने में कोशिश करना है कि सारे सिलेबस को खत्म कर दें, हर विषय को करें, तो थोड़ा स्पीड चलना होगा। आज पहला दिन है तो थोड़ा सा डिटेल भी चल रहे हैं, लेकिन थोड़ा स्पीड जरूर चलेंगे कैचअप प्रोग्राम के हिसाब से। तो अगर नोट नहीं कर पाते हैं बोर्ड पे कोई दिक्कत नहीं है, यूट्यूब पर देखेंगे और वहाँ पर क्या करेंगे स्क्रीनशॉट ले लेंगे या पॉज करके नोट कर लेंगे।
ऐसे भी नोट्स आप बना सकते हैं। ओके यस सर, आगे देखते हैं। आप देखिए सौरमंडल की जब हम बात करते हैं तो एक और शब्दावली आता है जिसकी चर्चा करने जरूरी है। जो भी हम लोग अभी तक चर्चा कर रहे थे कि सूर्य है, ध्यान देंगे सूर्य है या फिर ग्रह है या फिर उपग्रह है या क्या सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, सूर्य ग्रह उनका पिंड। शब्दावली आपको अभी याद हो जाना चाहिए, घर पे रटने की जरूरत नहीं होगी, यही पे करना है। ये सभी इनके लिए एक और शब्दावली का चयन हुआ है और ये सभी क्या है तो खगोलीय पिंड है। क्या है ये? खगोलीय पिंड। ये सभी क्या है? खगोलीय पिंड। तो एक खगोल शास्त्र भी होता है। कहने का मतलब ब्रह्मांड में जितने भी घूमने वाले या ब्रह्मांड में जो भी पिंड है, हालांकि जो भी पिंड है सभी घूम रही है, इसकी चर्चा हम आगे बारी बारी से करते जाएंगे, लेकिन हम थोड़ा समझ भी लेते हैं कि जितने भी पिंड है सभी घूम रहे हैं। तो ब्रह्मांड में जो भी पिंड है वो खगोलीय पिंड कहलाते हैं। अभी तो हमने चर्चा किया कि ब्रह्मांड में क्या सब हो सकता है भाई, तो सूर्य कह ले या तारा कह ले, क्योंकि सूर्य भी तो तारा है ना जी सर। तो तारा ग्रह उपग्रह क्षुद्रग्रह उल्टा पिंड ये सभी क्या है, तो एक खगोलीय पिंड। ओके अब आते हैं, अब थोड़ा सा हम लोग और एक नए रूप में आते हैं। आप लोग रात में अपनी सौरमंडल या कहें आकाश गंगा के बारे में थोड़ा ज्यादा चिंतन हो सकता है या रूबरू हो सकते हैं उससे। जैसे ही आप आकाश में देखते हैं रात में तो बहुत सारे चीज आपको देखने को मिल जाते हैं। तारे हैं, तारे के विभिन्न स्वरूप हैं, विभिन्न ग्रुप बना हुआ है। तो वहाँ एक चीज और मिलता है, चंद्रमा। चंद्रमा धरती पे, ध्यान दीजिए, चंद्रमा धरती पे समय की गणना का एक पहला सूत्र है। कहते हैं शाम हो गया तो रात हो गई है ना, सूर्य उग गया तो दिन हो गया, तो दिन रात की गणना करते हैं। और आ जाइए महीना की गणना, दिनों की गणना हम लोग करते हैं। तो आज भी हिंदू कैलेंडर में विक्रम संवत में आप देखते हैं कि चंद्रमा का ज्यादा, चंद्रमा के आधार पर, चंद्रमा की स्थिति के आधार पर दिन की गणना होती है। जैसे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थ, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नौमी, दसवीं, ग्यारहवीं, बारहवीं, कल एकादशी करते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं तो ग्यारह, द्वादशी बारह, त्रयोदशी तेरह, है ना, चतुर्दशी चौदह, और उसके बाद पूर्णिमा। पूर्णिमा पूरा हो गया महीना, ये किस पे होता है तो चांद पे, पता है चंद। ये जो घटना होती है इसमें दो चीज महत्वपूर्ण याद रखना आप लोगों को। पहला है अमावस्या, और दूसरा क्या है, पूर्णिमा। पूर्णिमा में क्या होता है, पूर्णिमा में पूरा महीना पूरा चांद दिखता, और अमावस्या में चांद नहीं दिखना था, पूर्णतः नहीं दिखता है ना, यहां जोड़ते हैं पूर्णतः नहीं दिखता। क्या होता है, गणना शुरू होती है अमावस्या से शुरू करते हैं, तो पहले रोज चांद थोड़ा सा दिखता है, दूसरे रोज थोड़ा जाएगा, तीसरे रोज थोड़ा जाएगा,
चौथे रोज इससे थोड़ा जाएगा। ऐसे करके क्या होता है हमारा चांद गोल बने, बढ़ते 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 फिर एक बार गोल हो जाता है नहीं। तो ये बढ़ता है तो प्रथमा तिथि, द्वितीय तिथि, तृतीय तिथि, चतुर्थी तिथि, समझ रहे हैं? और धीरे धीरे पूर्णिमा में पहुंच जाते हैं। पूर्णिमा के बाद फिर क्या होता है तो धीरे धीरे घटना शुरू होता है। चांद की आकृति धीरे 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 छोटा होता जाता है और छोटा होते होते फिर से अमावस्या की रात आ जाती है। इस तरह से अमावस्या से चले पूर्णिमा और पूर्णिमा से फिर पहुंच गए अमावस्या, एक महीना पूरा होता है। क्लियर है? ये घटना समय की गणना, दिन महीनों की गणना, वर्षों की गणना हम लोग करते हैं इसी अमावस्या और पूर्णिमा के आधार पर, जो घटना हमारे सौर मंडल में चंद्रमा के द्वारा घटित होती है। और चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह है, अभी चर्चा करेंगे हम, ठीक है? चलिए अब आगे, या तारे पर चलेंगे। तारा जो भी है, क्योंकि हमारे ब्रह्मांड में कई सौर मंडल है जिसमें सबका मुखिया अपना अपना तारा है, तो तारा है, तारा की आकृति कितनी बड़ी हो सकती है? इसकी आकृति आकृति विशाल होती है। जितने भी तारा है आकृति क्या होता है? विशाल नहीं, और क्या कह सकते हैं? इसका निर्माण किससे हुआ है? तारों का निर्माण किससे हुआ है? तो गैस से हुआ है। गैस का गोला है, गुब्बारा है। सूरज भी हमारा एक तारा है, अब वह भी कोई ठोस नहीं है, गैस का गोला है। अब गैस क्यों है भाई? और ये भी सुन चुके हैं आप लोग कि सूर्य से टूट करके, अभी हम आगे बताएंगे इसी को, फिर कि सूर्य से टूट करके गोला गोला जब अलग हुआ तो उसी में से एक गोला ये धरती है। जी सर। और ये कह रहे हैं तो भैया ये ठोस क्यों है? जब सूर्य गैस है ये ठंडा, ये गोल क्यों है? ये ठोस कैसे हो गया? जब ये सूर्य से दूर हटा तो ठंड हुआ, ठंडा हुआ, ठंडा होने के कारण वस्तु क्या होता है? ठंडा पर वस्तु बदल जाता है नहीं? गैस पहले द्रव बनेगा थोड़ा और ठंडा होगा तो फिर ठोस बन जाएगा। तो पृथ्वी जो हमारा ठोस रूप है, सूर्य से टूटा हुआ है, अलग हुआ है, लेकिन यह ठोस रूप में है इसलिए ठंडा। तो जाहिर है कि जब ये गैस है तो यहाँ पर क्या है? उष्मा है। कितनी कैसी उष्मा है? तीव्र उष्मा। यहाँ लोहा तांबा ठोस रूप में है, वहां तो उसी का अंग है न पृथ्वी टूटा हुआ, वहां गैस के रूप में। सोच सकते हैं कितना ज्यादा टेम्परेचर होगा। किसी चीज को जब हम गर्म करते हैं ठोस पदार्थ को, पहले द्रव बनता है, फिर गर्म और करते रहेंगे तो वो भाप बनता है, वाष्प या गैस बनता है। इतना ज्यादा गर्मी है, आप कल्पना करो, आप कल्पना करो कि सूर्य जो है हमसे हमसे कितना दूर है और कितनी गर्मी हमें पहुंचा दे। अप्रैल मई जून के महीने में तो सूर्य में सामने आप खड़े भी नहीं हो सकते, इतनी गर्मी आ जाती, इतनी गर्म हो। और बता दें ऐसे कि सूर्य जो है पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कितना किलोमीटर? समझ रहे हैं? तो सूर्य की प्रकाश हम तक जो पहुंचती है, उष्मा जो हम तक पहुंचती है, कितनी ज्यादा उष्मा रहा होगा? कहने का मतलब यहाँ गैस है, उष्मा है, और उष्मा को ताप भी बोल सकते हैं ना, और इसको गर्मी भी समझ सकते हैं। ताप माने उष्मा मतलब गर्मी नहीं, टेम्परेचर।
तापमान अब क्या है यहाँ पर भाई, प्रकाश भी है। अगर सूरज ना हो तो हमारा धरती ये पृथ्वी भी अंधेरा हो जाए। सूरज के प्रकाश के कारण ही ये धरती हमारा धरती पे उजाला, ठीक है। तो तारा, हमने पहले भी कहा कि सूरज क्या है, सूर्य एक तारा। तो तारे के गुण क्या सब है तो समझ गए। तारा जब भी है तो विशाल रूप में है, इसके पास यहाँ गैस का गोला है, यहाँ ऊष्मा ज्यादा है और प्रकाश ज्यादा है। तो इसी तारों में से एक तारा है हमारा सूर्य। तो अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सूर्य का। चलिए एक बार फिर से, सूर्य एक तारा है ना। अब सूर्य क्या है तो गैस का गोला है, और क्या है और तीव्र ऊष्मा, तीव्र ऊष्मा एवं प्रकाश, तीव्र प्रकाश भी दे सकते हैं ना जी, तीव्र प्रकाश। तारा गैस का गोला, तीव्र ऊष्मा और तीव्र प्रकाश। अब एक बात और समझिए, हम बता रहे थे अभी कि पृथ्वी से सूर्य पृथ्वी से कितनी दूरी पर है, 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है, नहीं सर दूरी पर। अब बताइए एक सवाल यहाँ पे आप लोगों को बताना है, सवाल छोटा लिख भी लेंगे तो अच्छा है। सूर्य के अपेक्षा तारे छोटे क्यों दिखाई देती है, फटाफट 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 को बताइए। अपेक्षा मतलब तुलना में, तार सूर्य के अपेक्षा तारे सूर्य के तुलना में तारे छोटे दिखाई देते हैं क्यों, क्योंकि हमें धरती पे छोटा दिखता है कोई चीज। सपोज करिए कि ये पेन यहाँ है, ऐसे देखिए अभी ये बड़ा दिखता है, जो जो ये दूर जाएगा क्या होगा, छोटा छोटा होता चला जाएगा जी सर। अब समझ गए होंगे इसका आंसर जी सर। बताइए तारे सूर्य के तुलना में छोटे क्यों दिखाई देते, सूर्य से दूर है, क्योंकि सूर्य से काफी दूर है जी सर, है ना। तारे के तुलना में सूर्य नजदीक में है इसलिए थोड़ा बड़ा दिखाई देता है। और एक सवाल, जब हम कहते हैं कि सूर्य एक तारा है और जो गुण मैंने तारे का बताया वही गुण यहाँ सूर्य का भी गुण है, उस तीव्र ऊष्मा तीव्र प्रकाश गैस का गोला, तो फिर तारों की प्रकाश कहाँ चली गई। जब सूर्य की गर्मी हमें महसूस होती है तो तारे की गर्मी हमें क्यों नहीं महसूस होती है, और सूर्य की प्रकाश जब धरती पे आती है तो पूरे दुनिया पूरे धरती को उजाला कर देता है, तो फिर तारे की प्रकाश क्यों नहीं आती है। सवाल है बताइए, कोई आदमी बताइए, सिंपल सा है कि जो कुछ जितना दूर होगा उतना छोटा होगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि इससे जो निकलने वाली जो भी एनर्जी है, जो भी ऊर्जा है, जो ऊर्जा हमने कहा ऊष्मा और
प्रकाश, ये दोनों ऊर्जा है। इस ऊर्जा को जब ज्यादा दूरी जाना पड़ेगा उसका प्रभाव कम होगा कि ज्यादा होगा? कम होगा। नहीं, आपको भी कोई सामान लेके जाना हो यहाँ से थोड़ी दूर भी ज्यादा दौड़ के चले जाएंगे, और एक किलोमीटर का है तो बस, अब 5 किलोमीटर का है तो रास्ते में पावर खत्म हो जाएगा, आप थक के बैठ जाए। यही होता है तारों के साथ। तारे से भी उष्मा प्रकाश सूर्य के तरह ही निकलती है, वो भी गैस का गोला है, उसके भी अपने सौर मंडल है, उनके भी ग्रह हो सकते हैं। एक ही सौर मंडल नहीं है ब्रह्मांड में, अनगिनत सौर मंडल है। तो तारे हैं तो तारे के भी कई ग्रह हो सकते हैं, लेकिन किसी तारे का प्रकाश या उष्मा धरती पर नहीं पहुंच पाता है। वजह केवल इतना ही है कि हमसे वह इतनी दूरी पे है कि यहाँ पहुंचते उनकी ऊर्जा क्या होती है, खत्म हो जाती है। अब एक अंदाजा लगाना ये तारा हमसे कितना दूर है, बताते हैं। ये जो प्रकाश है ना, ध्यान दो, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल कहां पर? निर्वात में। निर्वात मतलब जहां वात नहीं हो, जाने जहां पर हवा नहीं हो, कितना है? 3,00,000 किलोमीटर प्रति सेकंड। यानी 1 सेकंड में प्रकाश कितनी दूर चलती है? 3,00,000 किलोमीटर प्रति सेकंड। और जानिए, सूर्य से प्रकाश, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितना देर में पहुंचता है? कितनी देर में पहुंचती है? तो आंसर क्या है? 8 मिनट 20 सेकंड। अभी समझ में नहीं आया होगा, थोड़ा सा ये 8 मिनट को सेकंड में बढ़ाएंगे, क्या करेंगे? 60 से गुना करेंगे, तो 8 × 60 ये क्या बनेगा? सेकेंड। 8×6 = 48, 480। 500 सेकेंड में पहुंचता है। 8 मिनट 480 हो गया, अब प्लस ये 20 सेकेंड, यानी 500 सेकेंड लगता है आने में। अब सोचिए, 1 सेकेंड में प्रकाश कितनी दूरी तय करती है? 3,00,000 किलोमीटर चलती है 1 सेकेंड में ना, 3,00,000 किलोमीटर चलती है, तो 500 सेकेंड में कितना चलेगा? इसको क्या करेंगे? गुणा करेंगे, इसको गुणा करेंगे, यानी 3,00,000 को 500 से गुणा करेंगे, कितना होगा? 15 और 5 × 7 को 0। अब सोचिए कितना किलोमीटर, पाएंगे? 10,00,0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 00,
15 करोड़ किलोमीटर। ये 15 करोड़ निकल गया। तब अब सोचिए बाबू कि सूर्य के निकलने वाली प्रकाश 15 करोड़ किलोमीटर चल के पहुंचती है तो इतनी रोशनी है, इतना प्रकाश है। और वो तारा कितना दूर है कि उसका प्रकाश धरती पर पहुंच भी नहीं पाती।
कहीं ना कहीं इस 15 करोड़ किलोमीटर से भी बहुत ज्यादा दूरी पर है तारा ना। इसीलिए ना वो छोटा सा टिमटिमाता सा दिखता है, उसकी उसका प्रकाश धरती पे नहीं पहुंच पाता है। यस सर। उसकी गर्मी धरती पे नहीं पहुंच पाता है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं सर। अब हम लोग इस सौरमंडल के बारे में कुछ और थोड़ी बातें करेंगे। खगोल पिंड के संबंध में चर्चा कर रहे थे, इसमें यहाँ पर हमने सूर्य की चर्चा किया, सूर्य भी एक तारा है, तारा के बारे में चर्चा किया, तो सूर्य एक तारा है, उसकी भी हमने क्वालिटी कर दिया, यहाँ पे कंपैरिजन करके बता दिया। के ज्ञान के लिए रात्रि में समय का ज्ञान और दिशा का ज्ञान करने के लिए एक तारा है जिसका नाम है ध्रुव तारा। और भी कई तारे के मंडल हैं, यानी ग्रुप है, तारे के ग्रुप्स हैं जिसको कहते हैं नक्षत्र मंडल। अब एक नया शब्द आ गया मंडल, यानी नक्षत्र किसको बोलते हैं। देखिए हमारे तारे मंडल में केवल तारा ही दिखता है ऐसा नहीं है, कुछ ग्रह भी दिखते हैं और कुछ उपग्रह भी दिखते हैं। जैसे चंद्रमा आपका क्या है, उपग्रह है, चंद्रमा भी दिखता है। और पता है सूर्य भी हमें दिखता है, शुक्र ग्रह भी रात में हमें उसी तारे मंडल में दिखाई देती है जिसको क्या कहते हैं, भोर का तारा कहे, सांझ का तारा कहे, पृथ्वी की बहन कह ले, पृथ्वी की जुड़वा ग्रह कह ले, जो भी कहे सारा उसके बहुत सारा रूप आ जाता है। इसलिए ना कि वो पृथ्वी के आकार का ही है, पृथ्वी जैसा ही उसका साइज है ना। वो शाम में भी सबसे पहले उगता है, सुबह में भी सबसे पहले, सबसे अंत में जाके डूबता है, बंद होता है, समझ रहे हैं। इसलिए कहते हैं सांझ का तारा, शाम हो गया इसकी पहचान क्या है, तो देख लो सूर्य ग्रह दिखता है आकाश में। माने अगर एक तारा दिख गया तो शाम हो गया, और सबसे पहले तारा जो दिखेगा वो तारा कौन सा होगा, तारा नहीं है वो हमारा ग्रह है, वो शुक्र दिखता है। समझिए बात को, हर छोटी छोटी बात को सीखिए, वो क्या है, शुक्र ग्रह दिखता है। थोड़ा सा ये तो शुरू कहते थे, कहते हैं पृथ्वी की बहन नहीं जी। और सांझ का तारा, हमने कहा शुक्र क्या है, तारा नहीं है जी सर। अभी हम पढ़ाएंगे क्या है, ग्रह है, लेकिन यहाँ कहते हैं सांझ का तारा, इसलिए कि शाम में हमें शुक्र ग्रह दिखती है, दिखाई पड़ती है आकाश में। तो कहते हैं तारे टिमटिमाते हैं, तो तारों के साथ साथ बहुत सारे ग्रह, राशि, नक्षत्र, सारे चीज तारों के इस मंडल में दिखते हैं। उसमें से कुछ नक्षत्र मंडल को हमें जानना जरूरी है, जो हमारे लिए उपयोगी है उसको भी जानना जरूरी है। जैसे हमने कहा नक्षत्र मंडल में देखना है तारा दिखना है, अब नक्षत्र में देखना है क्या, नक्षत्र मंडल में सप्तऋषि अभी हम चर्चा करेंगे। सप्तऋषि नक्षत्र मंडल या तारा कह सकते हैं, सप्तऋषि तारा भी कहते हैं।
ठीक है। चलिए यहां पर देखते हैं, सांझ का तारा या किसे कहते हैं, भोर का तारा, भोर का तारा, और क्या कहते हैं, पृथ्वी की बहन, और क्या बोल सकते हैं, पृथ्वी की जुड़वा ग्रह, समझ रहे हैं जी सर। ये सारा आदि जो है याद रखना है। चलिए हम लोग ये हम लोग आगे यहाँ देखते हैं, नक्षत्र मंडल में सप्तऋषि तारा और ध्रुव तारा की चर्चा करते हैं। देखो आप लोग सप्तऋषि के बारे में जानते हो, कोई जानते हैं कोई सप्तऋषि तारा क्या है, कोई जानते हैं तारा, सब लोग जानते हैं। सतभैया तारा का नाम सुने हो, सतभैया तारा सात भाई का तारा आकाश में, अब तो पहले दादी वगैरह ये सब चीज बताया करती थी, बच्चे जब आकाश में देखते थे कहते हैं वो देखो वो मामा जी हैं, वो फलना है, वो ऋषि है, वो देखो वहां आदमी जो मर जाता है ना उसको जैसे ले जाता है चार बना करके चारों तरफ से पकड़ के और पीछे से उसके साथ साथ बराती चलता है, आदमी जाता है ना पीछे से साथ में, वो सब दिखाते थे। हाँ नानी दादी पहले जब बच्चा रोने लगता था तो वो कहते थे बूढ़े बुजुर्गों का नाम लेके, वो तुम्हारे कौन है जो गुजर गया, अगर दादाजी गुजर गया तो वो तुम्हारे दादाजी है, वो कौन है तो नाना है, ऐसे बताया करते थे। उसमें कुछ कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे यहाँ पर हम दिखाते हैं, ऐसे एक तारों का समूह आप रात में देखना चाहिए, ये चार और ये तीन सात, ये यहां नहीं तो सफल यहां होगा। अब ये चार क्या है, इस चार को समझ जाइए कैसा है, हो गया ये सब यात्रा है। एक आदमी यहां पकड़े हुए हैं, एक आदमी यहां पकड़े हुए हैं, एक आदमी यहां पकड़े हुए हैं, चार तारा मिलकर के जैसे लगता है किसी जले मरे हुए आदमी को उठा के लेके जा रहा है और उसके साथ ये आदमी सब बराती में चल रहा है, नहीं लग रहा है। तो कुछ लोग इसको सतभैया कहते हैं, और हमारी किताब में जो दिया गया इसका नाम सप्तऋषि है, कहते हैं कि सात ऋषि चलते हैं ऐसे करके, इस तरह से इसका नामकरण हो गया सप्तऋषि तारा, ठीक है। अब इस तारों में से यहां से थोड़ा सा ये यहां आएगा, मेरे ख्याल से यहां होना चाहिए, यहां ये देख रहे हो ना, अब ये एक लाइन में है, और एक लाइन में जब सीधा यहां से ऐसे बढ़ा जाए तो देखोगे यहां पर एक बहुत बड़ा तारा नजर आएगा जिसमें खूब ज्यादा रोशनी होगा, इसी का नाम है ध्रुव तारा, समझ में आ रही है बात जी सर। ये जो ध्रुव तारा यहां लिखा यही है ध्रुव तारा जी, कहते हैं पोलर स्टार, हाँ पोलर स्टार, पोल स्टार, पोल स्टार, पोल स्टार एक स्कूल भी है नाम रखा है, तो पोल स्टार, ये पोल स्टार की चर्चा अब ये है, गांव घर में अपने भाषा में लोग उसको क्या बोलते हैं, भुरुकबा, अरे भुरुकबा गलो, मतलब पहले जब घड़ी नहीं था, लोगों के पास में घड़ी नहीं था तो इसकी स्थिति से लोग पता करते थे कि रात कितना अभी बाकी है, समझ गए बात को, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी था, पहले समय का ज्ञान कराने में इनकी भी भूमिका थी। अभी हमने चंद्रमा के बारे में बताया, चंद्रमा भी हमें समय को ज्ञान देता है, बीज महीना में है ना, सूर्य में जब आएंगे तो सूर्य में हमें सेकेंड की
घंटा की गणना होगी सूर्य के द्वारा, यदि हम लोग पढ़ेंगे आगे। चलिए तो ये ध्रुव तारा समझ गया। ये ध्रुव तारा किस दिशा में होती है? उत्तर दिशा। क्लियर है? ध्रुव तारा किस तरह होती है? उत्तर दिशा। किसके उत्तर दिशा में? ये सप्तर्षि तारा के अंतिम छोर पर जो दो तारे हैं, इनके सीध में यदि बढ़ा जाए तो इधर दिखा, तो यहां यदि हम खड़े हैं तो हमारे लिए उत्तर इधर। समझ में आ रही बात? समझ रहे हैं? ये ध्रुव तारा का काम है। चलिए सबसे सितारा ध्रुव तारा भी जान गए। अब हम लोग आगे सूर्य के बारे में और जो खगोलीय पिंड है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं ग्रह के बारे में। खगोलीय पिंडों को हम पहले अलग अलग ढंग से उसके बारे में अनुभव लेते हैं, इसके बाद हम लोग सौर परिवार के जो विभिन्न ग्रह हैं उसके बारे में देखेंगे। तो सब अब आते हैं ग्रह के बारे में। ग्रह के बारे में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक नहीं दो बात, केवल दो बातें ग्रह का याद रहेगा सारा काम। पहला क्या बात है? ग्रह जो है तारा के चारों ओर परिक्रमा करती है, ठीक है। दूसरी बात, ग्रह को अपना प्रकाश नहीं होता है, वह तारे के प्रकाश से प्रकाशित होता है। चलिए दो बातें याद करनी है। पहला हमने कहा ग्रह क्या है, तो तारा के चारों ओर घूमते हैं। जैसे यहाँ तारा है तो ग्रह इसी रास्ते पे ऐसे चलती रहेगी, ऐसे भी चलेगी। तो बात कहा हमने, ठीक है। हालांकि सभी ग्रह के एक और लक्षण होता है। एक और लक्षण क्या होता है? ये जो घूमता है ना, यह जो घूमता है यह दो तरह का गति करता है। एक तो ऐसे घूमने वाला गति करता है और एक ऐसे घूमने वाला गति करता है। ऐसे घूमता है, जैसे लट्टू देखे हैं, लट्टू में एक तो ऐसे घूमता रहता है लट्टू नहीं, एक तो क्या करता है, जगह भी बदलता रहता है। जी सर, जगह भी बदलता रहता है। ऐसे ही ग्रह, ग्रह में दो गति होती है। एक केवल ऐसे घूमने वाला नहीं, और एक ऐसे घूमने वाला। समझो बात। अब ऐसे घूमने वाले गति को कहते हैं घूर्णन गति। यस सर। क्या कहते हैं? घूर्णन गति। इसमें क्या होता है, तो वस्तु या ग्रह जो है वो अपने अक्ष पर, जैसे लट्टू में काटी होता है ना, लट्टू बना दूं क्या? ये तो बनाने नहीं आता, ये कील है, तो कील पे ऐसे ऐसे भी घूमता है और ऐसे घूमते घूमते ऐसे ऐसे भी घूमता है। समझ रहे हैं? तो दो गति हो गया, गति गति है ना। तो एक बात और जोड़ ही देते हैं,
तीसरा अपने अक्ष पर घूर्णन करती। अब एक सवाल हो गया यहाँ पर, इस दोनों को मिला करके एक नया लाइन तैयार करते हैं। ग्रह में दो प्रकार की गति होती है, क्लियर है? ग्रह में दो प्रकार की गति होती है, कौन कौन सा? घूर्णन गति। इसी घूर्णन गति को दैनिक गति भी कहते हैं। अब दैनिक गति क्यों कहते हैं, इसकी भी चर्चा करेंगे। दूसरा एक मिनट, और परिभ्रमण मन, परिक्रमण या परिभ्रमण भी बोलते हैं। गति कहते हैं, दूसरा की गति होती है घूर्णन गति और परिक्रमण। तो गति को मैंने सिखा दिया है, ऐसे यदि ऐसे अपने जगह पे घूमता है तो घूर्णन गति, और यदि ऐसे ऐसे घूमता है तो ऐसे ऐसे घूमेगा तो किसी पिंड के चारों ओर घूमेगा, वो पिंड तारा हो सकता है नहीं, ग्रह तो तारा के चारों घूमेगा। आगे हम फिर चर्चा करेंगे अगले रोज, वो उपग्रह है वो भी ग्रह के चारों ओर भी घूमता है। ओके, क्लोज कीजिए, क्लोज करिए। हाँ।